मैं एक भेड़ के नेतृत्व में आने वाली बाघों की सेना से नहीं डरता, लेकिन बाघ के नेतृत्व में आने वाली भेड़ों की सेना से मैं निश्चित रूप से डर सकता हूँ। प्रयत्नशाली व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो लगातार कोशिश करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं हो सकता। जैसे स्वर्ग में दो सूरज पैदा नहीं हो सकते, उसी प्रकार इस भूमि पर दो सम्राट नहीं हो सकते। केवल और केवल एक ही सम्राट होना चाहिए, वह मैं हूं। मुझे जन्म देने वाले पिता को, शिक्षा देने वाले गुरु के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। जब हम बड़ा सोचते हैं तब ही हम बड़ा कुछ कर सकते हैं। मैं जीत के लिए कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं जीत को नहीं चुराऊंगा। बहुत सारे दुनियाएं हैं जिन्हें मैं नहीं जीत सका। प्रकाश को लाने वाली हर चीज सूरज नहीं हो सकती। हर एक का व्यवहार हर किसी की किस्मत पर निर्भर करता है। सच्चा साहसी राजा बुरा संदेश लाने वाले दूत को नहीं मारता है। हमें किसी का गुलाम नहीं बनना चाहिए। हमें अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से और निर्भय रूप से बनाने की जरूरत है, क्योंकि हम सभी में वह क्षमता है। नींद और सेक्स मुझे अक्सर याद करते हैं कि मैं अमर नहीं हूं। समयोचित व्यवहार करने से हमारे अंदर के दोषों को ठहराया जा सकता है। प्रयास और खतरा विलास के बड़ी कीमत है। बिना डर के जीना और अनंत ख्याति के साथ मरना बहुत सुंदर चीजें हैं। सच्चे प्यार का कोई सुखद अंत नहीं है, क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। तलवार से हासिल किया हुआ कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन प्यार और दयालु से किया हुआ चीजें शाश्वत रहते हैं। मेरे आसपास कई डॉक्टर रहते हुए भी मैं मर रहा हूं। हमें मौत के जबड़े से कोई नहीं बचा सकता। एक विशाल दुनिया भी पर्याप्त न होने वाली व्यक्ति को मरने के बाद एक छोटी सी कब्र पर्याप्त होता है। यह जिंदगी का एक बड़ा विप्रयास है। डर डर के 100 साल जीने के अलावा बिना डर के एक दिन जीना बड़ी गर्व की बात है। केवल मुझे पता है कि एक अच्छा नाम बनाने के लिए मुझे कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ा है। मेरे मरने के बाद मेरे दोनों हाथों को आकाश के तरफ निशान बना के दफनाइए। मेरे शव को कब्र तक डॉक्टरों से लेके जाइए। मैंने लड़ाई करके कमाए हुए सारे चीजों को वहां फेंके। ऐसे करने से दुनिया को पता लगेगा कि खाली हाथ आया हुआ मैं खाली हाथों से ही जा रहा हूं।